नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज बताता हूँ आपको 15 इंची वाइंडिंग कैसे करें इसकी एडजस्ट की। इसमें मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप समझ में अच्छी तरह से आ जाए आपको। तो 15 इंची एडजस्ट को वाइंडिंग करने के लिए इसको मैंने, ये 29 नंबर वायर है मेरी, किसी काफ़ी वायर होती है जिससे किसी भी कर सकते हैं। तो इसमें 29 नंबर है और ये 140 टर्न है और 27 इंची इनकी लंबाई है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और बीच का इसके बारे में बता दूँगा। 15 इंची मोटर है ये, इसकी लंबाई है बाहर से 1.5 इंच, अंदर से इतनी है क्योंकि ये मारुति की है, एक ड्रम की आती है ये, मारुति साइज है और अंदर की स्टम्पिंग साइज है इसका, क्या नाम होगा, 2.5 इंची। और ये पूरा 24 स्लॉट ही है, तो मैंने पेपर डाल दिया है। पेपर आपको, अगर ये आपको पेपर ऐसे डालना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको बीच से नापें पूरा कितना है और इसको उल्टी तरफ मोड़ें, ऐसे ऐसे दिखा दूँ आपको, इधर से ऐसे और ये ऐसे, ऐसे करके आप इसको ऐसे अंदर को आगे मोड़ देंगे, ये आपका ये वैसा बन गया। और ये इसके अंदर ऐसे लग जाता है, दोनों तरफ पटक जाएगा, जिससे कि आपको ये आपकी ये बन जाएगी। और शुरुआत करता हूँ वीडियो की, ये 29 नंबर वायर से मैं वाइडनिंग करता हूँ इसकी, रनिंग वाली स्टार्टिंग वाली बाद में करेंगे दूसरे वाले वीडियो में। तो इसके लिए हमने 29 नंबर वायर लिया, इसके कनेक्शन हम ऐसे डालेंगे। ये पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, खजर पसर खजर पसर। तो ये 104 में डलेगी और इसके कनेक्शन हम इधर ही रखेंगे। यहाँ आ गया इसका मेन कनेक्शन, एक ये आ गया और एक ये आ गया। इसके बारे में अभी आपको बताता हूँ, पहले को कर लेते हैं। 104 में एक बार आ गया तो इसमें पेपर लगा देंगे, इसको डालना है 1 से 6 में, यानी कि इधर से और इधर से, एक यहाँ एक यहाँ, इसको खोल लेंगे हम और इसको यहाँ से इस वाले हाथ को पकड़ेंगे और ऐसे मोड़ेंगे और इसको डाल देंगे ऐसे। सेटिंग उठा के चले कोयल की, जो कि दिक्कत ना करे आखिरी में, हो गया। और लास्ट रह रही है, इसको हम ऐसे मोड़ेंगे, सीधा उल्टा चलता है। आप एक दूसरी वीडियो देखते हुए दे सकते हैं, उसमें भी ऐसे ही है। इसमें पेपर लगा देंगे हम। मैं आपको एक बात बता दूँ, दूसरी कोयल डालते हुए, क्योंकि दो कोयल नहीं डाल के दिखाऊंगा मैं आपको, चारों कोयल नहीं डालूंगा, लंबी हो जाती है वीडियो, आपको पूरी मोटर वाइंडिंग कर दूंगा इसमें। पेपर इधर एक और कोयल डाल देता हूँ इसमें, कोयले थोड़ी बड़ी है तो आप अपने हिसाब से ले लीजिए इसको। इनको हम मोड़ भी देते हैं ऐसे करके, छोटी हो जाती है, बाकी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जो कि 27 इंची है तो आप 26 इंची कर लीजिए। ये हो गई, एक कोयल डल गई। अब इसका ये बाले बताता हूँ इसको, आप कैसे क्या करना है। इसको खोल लेते पहले हम,
सब में ऐसे होगा। ये अभी आपकी यहाँ आ गई ये वाली वायर, और ये इसकी यहाँ आई है, तो ये वाली वायर इस तरफ आएगी आगे की तरफ, दिखाता हूँ आपको। एंटी क्लॉक वाइज चलती हैं ये, तो ये वाला वायर है ये, इसको हम यही पकड़ेंगे, दिखा दो आपको। अब ये वाला हिस्सा इसका इधर लाना है हमें, ठीक है। तो हम कैसे लाएंगे इसको, ऐसे ही कैसे घुसा देंगे। अब ये सीधा इसमें आएगा यहीं पे, ऐसे ही चलता है इसका। अगर आपने ये ऐसे कनेक्शन नहीं किए, एलुमिनियम की वाइंडिंग हो रही है ये, अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो ये आपकी मोटर चलेगी, कनेक्शन उससे ज़्यादा उसका हुआ है, कनेक्शन सही होंगे तो मोटर पक्का चलेगी। तो हमने इसको इसको वायर को ये यहाँ पर डायरेक्टली यहीं लिया है घुमा के, मुझे थोड़ा बज रहा है। वायर निकालता हूँ एक बार, दिखाता हूँ, सही कर लेता हूँ इसको, परेशान करता रहेगा ये। हो गया, और इसका घूमना भी नहीं चाहिए इधर उधर, ये वाला कनेक्शन इधर आ गया और ये वाला कनेक्शन इधर आना है यहाँ पे है, ये अब ये सही है। हम इसको 104 में डालेंगे और इस एक को छोड़ के ये जो एक छोड़ा है उसमें अभी 106 हो जाएगा, ये पेपर लगा देंगे। ऐसे इसी हाथ वाले को फोड़ेंगे, दिखाता हूँ मैं आपको। ये उल्ट सीधे हाथ वाले पे, ये जो मेरे सीधे हाथ की तरफ है उसको ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे करके दिखा आपको, दोबारा करके दिखाऊं, इस वाले मोड़ को ऐसे मोड़ेंगे और इसको डाल देंगे ऐसे। अगर आप समझ नहीं आए तो आप मेरी वो वाली वीडियो देखिए, उसमें आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ऐसे ही करना है इसमें, और इसको यहाँ डाल देंगे। खोल दिया इसमें, 106 में डाल के इसको पेपर लगा देंगे, इस पर दो बार डाल के
ये हो गया इसमें, और एक कोई एक दो दो तार छूट जाते हैं, इसकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। आप इनको यहीं के यहीं ऐसे करके मोड़ सकते हैं, कभी ये कई बार आप इसको खोलने लग जाए पूरे, ये मोड़ के हमें पेपर लगाने हैं, लग गया पेपर यही वाला। तो ये हो गई दो गोलियाँ इसकी। अब मैं इसकी लास्ट में दिखाता हूँ आपको कनेक्शन कैसे निकलेंगे। तो दोस्तों ये तैयार हो चुकी है, देखिए इसमें आपको बताता हूँ एक मिनट में। देखिए ये तो इसकी मैन हो गई, एक मैन ये रही, सॉरी ये ये रही, ये दो मैने हो गई। और आपको क्या करना था, ये फर्स्ट वाली थी जिससे हमने कोल बनाई, तो इसका एक फर्स्ट वाली की एक ये आ गई और दूसरी ये आ गई। ये अब दूसरी की यहाँ नहीं आके इधर लानी थी, तो ये हमने देखिए ये तार है जो ये इधर आया हुआ है ना, अब ये इधर आया तो दूसरी कोल का जो एक सिकल रहा था वो यहाँ से निकला था और वो यहाँ आएगा। ऐसे चलता रहता है हर किसी में, आप मेरी दूसरी वीडियो देखेंगे 18 इंची वाली, उसमें भी मैंने स्पष्ट तौर पर ऐसे ही बताया हुआ है। और ये तार टूट गया था तो मैंने थोड़ा सा इसको जॉइंट मारा है, जॉइंट मारने के लिए कैंची से घिस लिया था इसको एलुमिनियम में। इसके ऊपर का कवर हटा देते हैं हम ऐसे घिस के, ये फिर घिस के सफ़ेद हो गया था ऐसे, या फिर एक केमिकल आता है उसको यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये हो गया और इसको ऐसे ही करते रहते हैं, तो इसका वाला हिस्सा यहाँ से इधर आ गया और जो मैन वाला लास्ट वाली थी उसका हिस्सा ही रहा। तो ऐसे करके हमने आप रनिंग की कोयल की पूरी रिवाइंडिंग कर दी है। अब हम अगली वीडियो में स्टार्टिंग करेंगे इसकी दूसरे पार्ट में। इसके ऊपर आप टेप लगा सकते हैं, इनको तो हम ऐसे करेंगे मोड़ देंगे इनको वापस, ये तो आपको दिखाने के लिए मैंने छोड़ दी थी, मोड़ के हम इसको ऐसे कर देंगे। और ये टूटा हुआ इस पर थोड़ी स्लिप चढ़ा देंगे, ये ऐसी स्लिप होती है, ये कनेक्शन और चढ़ा के इसको बंद कर देंगे। ये हो गया, बस यहीं पे हम इसको रोक देते हैं ऐसे ही, ऐसे करके फिर बाद में जब इसके हम स्टार्टिंग की कोयल बांध लेंगे उसके बाद में इसमें पेपर लगा देंगे वो मैं बता दूंगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और तो इसका दूसरा पार्ट ज़रूर देखना, मैं लिंक में डाल दूँगा। और ये 7 नंबर पेपर है और लास्ट में एंड स्क्रीन या फिर आई बटन पर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं आप। धन्यवाद।